वेलकम टू एजुकेशन कैंप। मैं माही शिवारी, आप सबका एजुकेशन कैंप में स्वागत करता हूं। हम पढ़ेंगे आज उत्तर प्रदेश की जनजातियां। दोस्तों, जो वीडियो डाले जाते हैं वो यूपी जेल वार्डन का जो 19 दिसंबर को पेपर है, इसलिए ये क्लास चल रही है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को इग्नोर ना करते हुए हर वीडियो को देखिएगा, और इसमें इम्पोर्टेंट देख कर ही सिर्फ उतने इफेक्टिव बनाए जाते हैं जितना आपको ज़रूरत है, सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। चलिए, तो आपको पता चल गया उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है थारू जनजाति। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है? थारू। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं थारू, ये देखिए, गोरखपुर, कुशीनगर तथा महाराजगंज और लखीमपुर खीरी जिलों में उत्तरी भागों में पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ फिर से देख लीजिए, गोरखपुर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, ठीक है, के जिलों के उत्तरी भागों में। अब देखिए, विधवा विवाह का प्रचलन कहाँ चल रहा है, ये आ जाता है, विधवा विवाह का प्रचलन कहाँ चल रहा है, तो ये आपका नटवरवा भोज इसी से संबंधित है। नटवरवा भोज बोलते हैं, इसी जाति से संबंधित है, थारू जनजाति से। किससे? थारू जनजाति से। यह दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं कहो तो रेड से लिख दूँ, मैं रेड से लिख दे रहा हूँ, मोस्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया, कई बार पूछा जाता है। यह है दिवाली कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, तो कौन सी है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। नेक्स्ट बुक्स, नेक्स्ट आपकी आती है बुक्सा जनजाति। कौन सी आती? बुक्सा जनजाति। अब देखिए, बुक्सा के बारे में क्या जानकारी है? बुक्सा, बुक्सा या भोक्सा कुछ भी बोल सकते हैं, इसके दो नाम है, बुक्सा या भोक्सा। ये कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। पारिवारिक पितृसत्तात्मक, मतलब ये पिता द्वारा आई हुई जनजाति है, पारिवारिक है और पितृसत्तात्मक, ये पितृ को ज़्यादा मानते हैं, पिता को। अब माहीगीर, माहीगीर जनजाति, ये कहाँ पाई जाती है? माहीगीर आपको पाई जाती है बिजनौर में। कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में, नजीबाबाद और सहारनपुर, जलालाबाद, किरतपुर, मरेरा, मंडवार एवं धारनगर। इसका उल्लेख महाभारत में भी है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका उल्लेख महाभारत में है? तो माहीगीर जनजाति। अब इसमें एक ऐसा क्वेश्चन ही बना दिया जाता है कि माहीगीर जनजाति का माहीगीर जनजाति का उल्लेख किस में है? तो आपका किस में? महाभारत में। कहाँ है? महाभारत में। जैसे भी क्वेश्चन आए मैंने क्लियर कर दिया है। देखो फिर से देख लीजिए, माहीगीर जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र सहारनपुर में। कहाँ पाई जाती है? बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र सहारनपुर, जलालाबाद, किरतपुर, मरेरा, मंडवार एवं धारनगर। इसका उल्लेख कहाँ होता है? महाभारत में किया गया है। ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका उल्लेख महाभारत में? माहीगीर, दोनों तरफ से। नेक्स्ट आपकी जनजाति आती है खरवा जनजाति। कौन सी आती है? खरवार। खरवार इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बिल्कुल वो पॉइंट लिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से लिए गए हैं। खरवार जनजाति कौन सी है दोस्तों? खरवार जनजाति। ये कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र में। कर्मा नामक त्यौहार भी मनाया जाता है, ये लोग कर्मा नामक त्यौहार मनाते हैं। कौन सा त्यौहार मनाते हैं? कर्मा। अभी देखिए, खरवार कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र में। अब आती है परहरिया। परहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र। परहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र। परहरिया सोनभद्र, क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है, प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। प्रदेश की न्यूनतम संख्या वाली जनजाति कौन सी है? ये क्वेश्चन बन जाता है, प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो जनजाति है वनरावत। कौन सी जनजाति है? वनरावत। दोस्तों यहाँ से कन्फ्यूजन ना होइए, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। कौन सी है? थारू। और अगली जनजाति है, प्रदेश की न्यूनतम संख्या वाली जनजाति कौन सी है? वनरावत। ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? वनरावत।
सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है सोनभद्र जिला। कौन सा है? सोनभद्र जिला। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब सोनभद्र का नाम आया है तो ये क्वेश्चन बन जाता है, सबसे ज़्यादा जिलाओं के साथ, सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र जिला। कौन सा है? सोनभद्र। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र। देखो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में और परसेंटेज में भी सोनभद्र। सबसे कम निंदो अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला है बागपत। कौन सा जिला है? बागपत। सबसे ज़्यादा सोनभद्र और सबसे ज़्यादा बागपत। नेक्स्ट, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बागपत। कम कहाँ पे? बागपत। ज़्यादा कहाँ? सोनभद्र। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का राज्य की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत भाग है? 0.57%। नेक्स्ट, थारू जनजाति का की उपजाति होती है कौन सी है? उल्ट हवा। कौन सी है? उल्ट हवा। थारू जनजाति में प्रथा का प्रचलन है किसमें? संयुक्त परिवार। मतलब थारू जनजाति है जो संयुक्त परिवार से मिलकर हम लोग रहते हैं, बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। कौन सी जनजाति मानती है उत्तर प्रदेश में? माही गिर। कौन सी मानती है? माही गिर जनजाति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो माही गिर जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। खरवाड़ जनजाति का नृत्य कौन सा है? कर्मा। ये तो आपने 2018 के पेपर में देख लिया होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। खरवाड़ जनजाति का नृत्य कौन सा है? कर्मा। उत्तर प्रदेश 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार द्वारा सूचीबद्ध किया गया वर्ष 2003 में है। कब किया गया? 2003 में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।